हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर संदीप तिवारी। मैं श्री अग्रसेन गर्ल्स पीजी कॉलेज हिंडन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आज से इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस को कवर कराने की कोशिश करूंगा। बट बिफोर गोइंग टू सिलेबस, वी शुड नो द कॉमन थिंग्स और द बेसिक्स ऑफ English literature. So my first class is based on the basics of English literature. So let's start. When we talk about basics of English literature, first of all, the first question that is raises is what is literature? Literature kya hai? To bachcho, simple shabdon mein agar hum kaha jaye, हम कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है हिंदी में। उसी को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें तो इट इज़ कॉल्ड लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। बट हम ऐसा क्यों कहते हैं कि लिटरेचर सोसाइटी का मिरर है? तो उसके लिए आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए ज़रा कि हमारे लिटरेचर को लिखने वाले, लिटरेचर में चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी लिटरेचर में आता है उसको लिखने वाले कौन हैं? तो आपका जवाब यही आना है कि वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही लिखा जाता है, हम मानवों के द्वारा ही लिखा जाता है। और हम मानव कहाँ से रिलेटेड हैं? तो हम मानव सोसाइटी से रिलेटेड हैं, हम इसी समाज में रहते हैं। तो लिटरेचर में जो कुछ भी लिखा जाता है वो टोटली बेस्ड होता है समाज में हैपन्ड होने वाले इवेंट्स, समाज में जो इंसिडेंट्स हम देख रहे हों उन्हीं को हम इंक्लूड कर देते हैं लिटरेचर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप करते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ जेनरे ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जेनरे बच्चों टाइप, जेनरे मीन्स टाइप। व्हाट इज़ टाइप ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? सो द जेनरे ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इट मीन्स इंग्लिश लिटरेचर इज डिवाइडेड इंटू फाइव पार्ट्स। द इंग्लिश लिटरेचर इज डिवाइडेड इंटू फाइव पार्ट्स। वॉट इज दैट? फर्स्ट वन इज फिक्शन, सेकेंड वन इज नॉन फिक्शन, थर्ड वन इज फोक टेल, फोर्थ वन इज ड्रामा, एंड लास्ट वन इज पोइट्री। लेट्स सी वन बाय वन। व्हाट इज फिक्शन? इन द फिक्शन ऑल द स्टोरी दैट इज नॉट रिलेटेड टू आवर रियल लाइफ। इट मीन्स इन फिक्शन द स्टोरी आर रिटन दैट इज नॉट रिलेटेड टू रियल इंसिडेंट और रियल इवेंट्स और रियल कैरेक्टर। इट मीन्स द कैरेक्टर्स एंड द story and the incidents, the events that are described in this section that is called fiction, it is all imaginative. ये पूरा का पूरा कल्पना based होता है, imagine based होता है, ये imagination पर लिखा जाता है, इसको कहा जाता है fiction. Second one is non-fiction. What is non-fiction? तो आप opposite करके देख लीजिए, fiction इमेजिनेशन बेस्ड, नॉन फिक्शन रियलिटी बेस्ड। सो नॉन फिक्शन के अंदर वो स्टोरीज आते हैं या वो रिटन वर्क्स आते हैं दैट इज रिलेटेड टू आवर रियल लाइफ। ओके, सो नॉन फिक्शन इज रिलेटेड टू आवर रियल लाइफ। थर्ड वन इज फोक टेल्स। फोक टेल्स बच्चों आप लोगों ने सुना होगा, जब आप लोग छोटे होंगे हमारी दादी नानी हमें कहानियाँ सुनाती थी। कभी एक राजा की जो दूसरे देश में जा कर के किसी अन्य राजकुमारी से शादी करके आता है, या अन्य देश में जा कर के उनके ऊपर आक्रमण करके उसको विजित करके आता है। आप लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, अली बाबा, चालीस चोर, अलादीन और बहुत सारी। बट नो वन कैन टेल्स फ्रॉम वेयर दीज स्टोरीज आर ओरिजिनेटेड। मतलब कि ये स्टोरीज कहाँ से आई हैं, इनका उद्भव कहाँ से हुआ है,
इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, मतलब इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। सो फोक टेल्स आर एनोनिमस, देयर इज नो राइटर, इट मीन्स नो वन कैन टेल दैट दिस फोक टेल या दिस माइथोलॉजी इज रिटन बाई दैट पर्सन। इट मीन्स इसके जो राइटर्स हैं वो अनजान हैं, एनोनिमस हैं। और ये स्टोरीज टाइमलेस एंड प्लेसलेस, इट मीन्स कोई भी पर्सन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि ये टाइम, ये स्टोरीज किस टाइम से रिलेटेड हैं। ये स्टोरीज चौथी शताब्दी से रिलेटेड हैं, दसवीं शताब्दी से रिलेटेड हैं, इक्कीसवीं शताब्दी से रिलेटेड हैं, नो वन कैन टेल, कोई इसके बारे में नहीं बता सकता। और सेम वे, इन द सेम वे, दिस स्टोरीज आर ऑल्सो प्लेसलेस, इट मीन्स कहाँ पर ये स्टोरीज जन्म ली है या किस देश से रिलेटेड ये स्टोरीज हैं, इसके बारे में भी कोई नहीं बता सकता। सो फोक टेल्स आर एनोनिमस, टाइमलेस एंड प्लेसलेस स्टोरीज। नेक्स्ट वन इज ड्रामा। व्हेन वी थिंक अबाउट ड्रामा और व्हेन वी टॉक अबाउट ड्रामा, द वन थिंग दैट कम्स इन आवर माइंड दैट इज एक्शन बेस्ड परफॉर्मेंस। इट मीन्स ड्रामा क्या है, एक एक्शन बेस्ड कोई प्ले है या परफॉर्मेंस है दैट इज प्लेड ऑन स्टेजेस, जो कि रंगमंच पे किया जाता है। सो ड्रामा क्या है, ये एक स्टोरी है जिसको हम एक्शन के माध्यम से और डायलॉग्स के माध्यम से हम स्टेजेस पे परफॉर्म करते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल है जब हम अपने मूवीज़ को देखते हैं, अपने सीरियल्स को देखते हैं, ऑल दोज थिंग्स आर ड्रामा बिकॉज दे आर प्रेजेंटेड ऑन द स्टेज बाय द कैरेक्टर थ्रू द एक्शंस एंड थ्रू द डायलॉग्स। सो ड्रामा इज स्टोरी दैट इज प्रेजेंटेड ऑन द स्टेज फॉर थ्रू द एक्शंस एंड डायलॉग। एंड लास्ट वन इज पोइट्री। व्हाट इज पोइट्री, द पोइट्री इज आवर फीलिंग्स एंड आवर थॉट्स दैट इज प्रेजेंटेड इन म्यूजिकल पैटर्न। इट मीन्स ये हमारी भावनाएं होती हैं, ये हमारे थॉट्स होते हैं जिनको हम रिटर्न तो कर देते हैं बट उस रिटर्न को हम म्यूजिकल वे में, मतलब राइमिंग करते हुए लिखते हैं, तब वो पोइट्री का रूप या पोइट्री फॉर्म में आ जाती है। पोइट्री के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल और डेफिनेशन विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिया था, जिन्होंने कहा था कि पोइट्री इज अ पावरफुल फीलिंग या इट इज ओवरफ्लो ऑफ आवर फीलिंग दैट इज रिकलेक्टेड फ्रॉम ट्रैंक्विलिटी। इट मीन्स वर्ड्सवर्थ महोदय ये कहते हैं कि पोइट्री हमारी पावरफुल फीलिंग्स हैं और जब ये हमारी फीलिंग्स हमारे अंदर काफ़ी भर जाती हैं, हमारे हार्ट में, हमारे मन में पूरी तरह से ये भारी हो जाती हैं, देन इट बिकम्स या इट ओवरफ्लोज। जैसे हम लोग अपने घर में देखते हैं कि पानी की टंकी लगी हुई है और पानी के टंकी में पानी जाता रहता हो, जैसे ही पानी के टंकी भर जाता है तो पानी क्या होने लग जाता है, ओवरफ्लो होने लग जाता है, बाहर आने लग जाता है। इन द सेम वे आपने कई बार नोटिस किया होगा, कई पर्संस ऐसे हैं जो दुख भरे गीत लिखते हैं, कई ऐसे हैं जो रोमांटिक सॉन्ग्स लिखते हैं, कई ऐसे हैं जो कॉमेडी टाइप के वर्क्स लिखते हैं, तो ऐसा क्यों है? तो ये सारी चीज़ें उनकी पर्सनालिटी को शो करती हैं। जो रोमांटिक टाइप लिखते हैं इट मीन्स दे आर रोमांटिक पर्सन। जो पर्संस हमारे सामने कॉमेडी टाइप की चीज़ें प्रेजेंट करते हैं दे आर कॉमेडियंस या दे आर ह्यूमरस पर्संस, और जो हमारे सामने सैड थिंग्स प्रेजेंट करते हैं दे आर सैड पर्संस। बट कोई भी पर्सन शुरू से लेकर लास्ट तक तो सैड होता नहीं है, तो इट मीन्स सैड पर्संस कभी कभी
जब अपनी परिस्थितियों से, अपने सर्कमस्टेंसेस से दुखी हो जाते हैं और इनके पास सैडनेस या इनकी परिस्थितियाँ इतनी डिफरेंट होती हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा दुख में आ जाते हैं, तो वो दुख भरी रचनाएं या सैड थिंग्स प्रेजेंट करने लग जाते हैं थ्रू देयर राइटिंग। तो पोइट्री ये है। अब हम सब जनरे की बात करते हैं। सब जनरे मतलब सब कैटेगरीज ऑफ दीज फाइव जनरेज ऑफ लिटरेचर। फर्स्ट वन फिक्शन। फिक्शन इज डिवाइडेड इनटू फाइव पार्ट, दैट इज कॉल्ड, फर्स्ट वन इज फैंटेसी, सेकेंड वन इज हिस्टोरिकल फिक्शन, थर्ड वन इज रियलिस्टिक फिक्शन, फोर्थ वन इज मिस्ट्री एंड फिफ्थ वन इज साइंस फिक्शन। वी कैन अंडरस्टैंड ईजली वन बाय देयर वर्ड्स एंड यू विल गेट द फुल डिटेल ऑफ दीज पार्ट्स द PDF आई विल प्रोवाइड टू यू। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन इज डिवाइडेड इंटू बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी एंड मेमोयर। इनके बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे, व्हाट इज बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन दीज टू वर्ड्स। तो बायोग्राफी इज लाइफ इंसिडेंट्स और लाइफ रिटन बाई ऑथर सेल्फ, सॉरी देर इज सम डिफरेंस। बायोग्राफी इट इज लाइफ ऑफ एनी पर्सन रिटन बाई समवन एल्स, एंड ऑटोबायोग्राफी इट इज लाइफ ऑफ द ऑथर सेल्फ। इट मीन्स बायोग्राफी क्या है, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी दोनों में डिफरेंस क्या है एक वर्ड का। ऑटो इसमें ऐड है, इसमें ओनली बायोग्राफी है। बायोग्राफी क्या होता है, आपने हिंदी में किसी के बारे में सुना होगा जीवनी या जीवन परिचय। तो बायोग्राफी क्या है, इट इज़ अ लाइफ ऑफ एनी पर्सन बट इट इज़ रिटन बाई समवन एल्स, नॉट बाई द राइटर सेल्फ और द ऑथर सेल्फ। वाइल ऑटोबायोग्राफी इट इज ऑल्सो लाइफ बट रिटन बाई द ऑथर सेल्फ। ओके, एंड थर्ड वन इज मेमोयर। मेमोयर व्हेन वी राइट अबाउट एनी इंसिडेंट थ्रू आवर मेमोरी और थ्रू आवर रियलाइजेशन और थ्रू आवर ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉल्ड मेमोयर। नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट ड्रामा, ड्रामा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। कॉमेडी दोज ड्रामाज और दोज प्लेज दैट एंड्स हैप्पीली इज कॉल्ड कॉमेडी, एंड ट्रेजेडी दोज ड्रामाज और प्लेज दैट एंड्स सैडफुली दैट इज एंड विद सम ट्रेजिक एंड, दैट इज कॉल्ड ट्रेजेडी। इनका बेस्ट एग्जाम्पल आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हैं। जब आप बॉलीवुड के मूवीज़ देखते हैं तो उन्हीं में मूवीज़ में कुछ मूवीज ऐसे आते हैं जैसे DDLJ और दिलवाले, ऐसे कुछ मूवीज़ हैं जो लास्ट में एंड में हीरो हीरोइन की क्या हो जाती है, मीटिंग हो जाती है और सारी चीज़ें जो सारी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द एक्शन या ड्यूरिंग द ड्रामा या ड्यूरिंग द पिक्चर हैपन्ड हो रही होती हैं वो सारी हैप्पली एंड हो जाती हैं लास्ट में। जबकि वहीं अगर हम कुछ मूवीज़ की बात करें जैसे तेरे नाम, आज की टू, ऐसी कुछ मूवीज़ हैं जिसमें हीरो या हीरोइन लास्ट में मर जाते हैं और हम लोगों को देखने के बाद बहुत सैड फीलिंग आती है कि
अच्छी एंडिंग नहीं हुई। तो यही दोनों चीज़ें हमें कॉमेडी और ट्रेजडी का आभास करा देती हैं। कॉमेडी कौन सी चीज़ें हो गई? वो चीज़ें जो हैप्पीली एंड हो जाती हैं या जो खुशी खुशी एंड हो जाती हैं, जिसमें हीरो हीरोइन मिल जाते हैं, सब कुछ अच्छा हो जाता है लास्ट में, दैट इज़ कॉल्ड कॉमेडी। एंड ट्रेजडी, तो जैसे आज की टू तेरे नाम। एंड लास्ट वन इज पोइट्री। तो पोइट्री इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट। फर्स्ट वन इज लिरिक, सेकेंड वन इज नरेटिव, एंड थर्ड वन इज ड्रामेटिक। वेन वी टॉक अबाउट लिरिक, तो लिरिक में एलिजी, ओड, सोनेट जैसी चीज़ें आ जाती हैं। वी विल डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स वन बाई वन वेन वी विल टॉक अबाउट लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी डिवाइसेज। इन दोज इन दैट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट दीज वन बाई वन। सेकेंड वन इज नरेटिव। इन दिस पार्ट एपिक एंड बैलेड जैसी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एंड लास्ट वन इज मोनोलॉग एंड सोलिलोक्वी। इसमें ड्रामेटिक में मोनोलॉग और सोलिलोक्वी जैसी चीज़ें लिखी जाती हैं। सो आज के लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने की कोशिश की है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।